इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट की गई थी, एडवांस बुकिंग को लेकर इतनी ज्यादा प्रमोशन चल रही थी, तो क्या ये हमारी उम्मीदों पर खरी उतरती है? खैर, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे स्त्री 2 मूवी के बारे में। 15 अगस्त को वैसे काफी सारी मूवी जो वो रिलीज की गई है, अब देखने वाली बात यह कि जनता कौन सी मूवी को अपने सर आंखों पर बिठाती है, किसको पसंद करती है। अब बात करते हैं स्त्री 2 की मूवी की कहानी के बारे में, फिर हम बात करेंगे इसके अंदर क्या अच्छा है, क्या इसके अंदर कमी है। जो कहानी हमें इसके अंदर देखने को मिल रही है, स्त्री जो फर्स्ट वाली जो मूवी आई थी उसके अंदर स्त्री को कैसे भगाया जाता है, क्योंकि वो मर्दों को उठा उठा के लेके जा रही थी, तो उसके खौफ से जहां पर लोगों को बचाया जाता है। अब यहां पर स्त्री के जाने के बाद स्त्री 2 में सरकटा आ गया, अब वो उल्टा कर रहा है, मतलब अब औरतों को उठा के लेके जा रहा है। तो ये चारों मिलकर यानी कि रुद्रा, बिकी, बिट्टू, जना और इनकी जो पिसाचनी या भूतनी जो भी कह लो, वो सब एक साथ मिलकर इस सरकटे को कैसे रोकते हैं, तो ये देखने वाली बात है। क्या उसको रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं, ये तो देखो डेफिनेटली जनता को पता ही है। मेन बात ये है कि वो उसको कैसे रोकते हैं, ये वाली देखने वाली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। फिर इसके अलावा क्यों ये सरकटा वापस आया, मतलब कि क्या इसके पीछे रीजन था, इन सब सवालों का जवाब के लिए तो देखो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि मूवी के अंदर क्या अच्छा है कि हमें ये मूवी देखनी चाहिए। जो इसकी कहानी है वो ठीक है, जो मेन जान जो है इस मूवी की वो इसकी कॉमेडी है। मतलब कॉमेडी टाइमिंग इतनी बढ़िया है मूवी के अंदर, डेफिनेटली आप कुछ एक सीन ऐसे होंगे जो आपकी इच्छा करेगी कि यार एक बार इस सीन को ना वापस करके दिखा दे यार, मतलब आप दोबारा से उस सीन को देखना चाहोगे। एक ऐसे ऐसे डायलॉग इस मूवी के अंदर आपको सुनने को मिलेंगे जो आपके कानों पे यकीन नहीं होंगे। एक अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना, फिर आप उस चीज को मिस कर जाओगे, क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से वो डिलीवर किए गए हैं ना, वो बहुत जबरदस्त है यार। मतलब जो थिएटर के अंदर लोगों ने जो तालियां बजा रहे थे, जो चहक चहक के हंस रहे थे, तो वो ये बताते हैं कि वो कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। पंकज त्रिपाठी जी हो गए, राजकुमार राव हो गए, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा कमाल का है। मतलब आप मूवी देखते वक्त आपके पेट में गुदगुदी होगी होगी, मतलब इतनी बढ़िया तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा मूवी के अंदर 3 कैमियो भी हैं। एक कैमियो मैं बताऊंगा, बाकी 2 कैमियो यार देखो मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि फिर वो स्पॉइलर वाली बात आ जाती है, फिर आप मुझे ही सुनाने लग जाओगे। फर्स्ट जो कैमियो वो अक्षय कुमार जी का है, उनका जो मैं कहूंगा कि यार एक कॉमेडी जो चल रही थी मूवी के अंदर फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ जो भी आप समझ लो, उन सब पे भारी पड़ती है अक्षय कुमार की जो एंट्री होती है वहां पर, जो मैंने एंजॉय किया भाई साहब। वो जो सीन जो अक्षय कुमार जब आते हैं बहुत जबरदस्त यार, वो इकलौता ऐसा सीन होगा जो मैं काफी बार देखना चाहूंगा। इतना बढ़िया तरीके से उसको लिखा गया है, इनकी एक्टिंग बढ़िया रही है, वो डायलॉग बढ़िया रहे हैं, वो परफॉर्मेंस जबरदस्त, सारी चीजें बहुत बढ़िया रही हैं वहां पर। अब इसके अलावा जो एक लास्ट का जो कैमियो आता है, एक बीच में भी कैमियो होता है, फिर एक लास्ट में भी कैमियो आता है, जो लास्ट वाला कैमियो मैं कहूंगा मेकर्स ने बहुत समझदारी से उसका भरपूर यूज किया है। मैं नहीं बताना चाहता फिर से वही स्पॉइलर वाली बात, लेकिन यार वो बहुत बढ़िया मुझे लगा। एक जो एंट्री जो होती है वहां पर जो VFX यूज किया गया है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। स्टार्टिंग में मूवी का जो VFX है वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है। इसके अलावा जो अगर मैं परफॉर्मेंस में आऊं तो सबने बहुत बढ़िया काम किया है, खासकर जो सपोर्टिंग एक्टर हो गए, अपार शक्ति खुराना जी हो गए, अभिषेक बनर्जी हो गए, इनकी जो परफॉर्मेंस रही है, इनके जो कॉमेडी जो पंच रहे हैं, इनके जो डायलॉग रहे हैं वो बहुत बढ़िया रहे हैं। बाकी सबने भी बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन जो एक तरीके से सपोर्टिंग एक्टर होते हैं यार, मुझे उनका भी काम देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। जो बैकग्राउंड म्यूजिक है मूवी का वो काफी ज्यादा बढ़िया लगा। तो ये हो गई मूवी की अच्छी अच्छी बातें। अब बात करते हैं कि मूवी के अंदर क्या क्या कमियां हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी कहानी है मैं उसको इतना ज्यादा बढ़िया नहीं कहूंगा, कि ठीक है यार एवरेज है, वो काम चला हुआ है। इसके अलावा मूवी में कुछ एक सीन ऐसे जबरदस्ती डाले गए हैं, क्योंकि देखो मूवी की लेंथ काफी ज्यादा है, जिसके कारण कुछ जबरदस्ती के सीन डाले गए हैं जो एक तरीके से बोरियत सी फील कराते हैं। अब मूवी में एक जो फर्स्ट हाफ कह लो और सेकंड हाफ में क्लाइमेक्स तक कह लो ठीक है मूवी, लेकिन क्लाइमेक्स में जो उस तरीके की हमें चीजें देखने को मिलती है, जो VFX वहां पे यूज किए गए, खासकर जो एंडिंग की बात करूं तो जहां पर कुछ भी हो रहा है, कोई भी आ रहा है, वो एक लॉजिकल चीजें होती तो काफी ज्यादा बेटर रहता। मतलब कि सरकटे का जिस तरीके से सामना हो रहा है, जो इसको मारने आया है, मैं नहीं बता सकता कि वो कौन था, जब आप मूवी देखोगे तभी आपको पता चलेगा, लेकिन जो भी उसको मारने आता है वो क्यों आया, क्या उसके पीछे रीजन था, और अभी क्यों आ रहा है लास्ट के अंदर, क्या वो एंडिंग का वेट कर रहे थे कि हाँ रहा, हाँ जब एंडिंग होगी तभी इसको बुलाएंगे, क्योंकि उसके आने का कहीं पर भी कोई भी बैकग्राउंड तैयार नहीं किया गया था कि हाँ यार इसकी एंट्री यहां पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी एंट्री होनी ही थी तो वो बहुत पहले भी आ सकता था, सरकटे को बहुत पहले भी रोक सकता था। तो वो एक मुझे लगा कि यार यहां पर ये इलॉजिकल तरीके से इनको इन चीज को डाल दिया गया, तो वहां पर लगता है कि यार कुछ भी कर रहे हैं यहां पर, तो एंडिंग के ऊपर मेन फोकस किया जाना चाहिए था। फिर VFX जो तरीके के लास्ट में यूज किए गए वो यार बहुत ज्यादा चीप फीलिंग देते हैं, वो कार्टून से लगते हैं यार। इतनी बढ़िया बढ़िया हमारे इंडिया के अंदर मूवीज आ रही है जहां पर VFX पे काफी ज्यादा मेहनत की जा रही है, बहुत बढ़िया वो तरीके से उनको निकाल के लेकर आ रहे हैं, तो इस मूवी में भी VFX पे भी मेहनत की जा सकती थी, वो VFX को सुधारे जा सकते थे। इतनी बढ़िया मूवी जा रही थी लेकिन लास्ट में आपने जिस तरीके के VFX वहां पे यूज कर लिए वो डिसअपॉइंट करते हैं। मूवी में कॉमेडी का स्तर काफी ज्यादा ऊंचा है एज कम्पेयर टू हॉरर, हॉरर कहीं ना कहीं कम रह जाता है, तो मुझे लगता है कि यार थोड़ा हॉरर वाला पार्ट भी थोड़ा अच्छे से दिखाया होता तो वो काफी बढ़िया रहता। हाँ कॉमेडी काफी बढ़िया है, कॉमेडी सीन काफी बढ़िया है, लेकिन कुछ कुछ सीन ऐसे थे
कॉमेडी को लेकर वो आपको लगेंगे यार ये आपने पुरानी चीजें फिर से यूज कर ली, यार उसकी रिपीटेशन रोक दो, यार वो मैं चीजें नहीं बताऊंगा वरना आप फिर, मैंने कहा ना स्पॉइलर को लेकर देखो कुछ चीजें मैं भी बंधा हुआ हूं, वो स्पॉइलर के डर के कारण बहुत सारी चीजें मैं नहीं बता पाता हूं। तो देखो मेरी तरफ से तो मैं इस मूवी को दूंगा 7/10। हाँ, मूवी वन टाइम कंसिडर आप कर सकते हो, वन टाइम से अगर आप दोस्तों के साथ देखने जा रहे हो तो डेफिनेटली आप इसको एक या दो बार भी आराम से आसानी से देख सकते हो क्योंकि आप इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। अगर आप लोगों ने मूवी देख ली है तो प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, उसके अंदर कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना कि आप लोगों को कैसे लगी। आज के लिए बस इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।